पर्व त्यौहारों को देखते हुए खास सुरक्षा विभाग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और फिलहाल हम पटना के दानापुर में हैं जहाँ पर खास सुरक्षा विभाग की टीम ने अभी एक मिठाई की दुकान है वहाँ पर ये पहुँचे हैं और यहाँ पर कई सैंपल को इन्होंने जब्त किया है और उसके बाद आप देख रहे होंगे सैंपल को जब्त करने के बाद उसे सील करने की कार्रवाई चल रही है। मैं सब पूरे इंस्पेक्टर खुद मौजूद है सर, किस तरीके की कार्रवाई है ये दीपावली है सर? मौजूद है नहीं है ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है। यहाँ पे दीपावली को मद्देनजर रखते हुए छापामारी की जा रही है। दीपावली के दुकानदार जो लोग हैं कुछ माल प्रैक्टिस करते हैं उसी के संदेह पर नमूना उठाया जा रहा है। जैसे इनके यहाँ दूध है तो करें कि कहता हम ये ग्रीन चौक वाले यहाँ पर जो देख रहे हैं कि जहाँ पर निर्माण होता है वहाँ पर गंदगी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कि शुद्ध रूप से कि ये पूर्ण रूप से बहुत स्वच्छ नहीं है। इसके लिए इनको नोटिस दिया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको साफ करवा लें। तो त्यौहार के पहले लाइसेंसी है रसगुल्ला बराबर बनने के कारण थोड़ा यहाँ पर गंदगी है। फिर आपको हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जब मिठाई का बन रहा है और यहाँ इतना जो कारखाना है जहाँ पर मिठाई बनाई जा रही है वहाँ आप देखते हैं कितना यहाँ पर बनाई जा रही है। आप देखिए कि एक जॉब है यहाँ पे पूरे का मार और यहाँ काफ़ी स्मेल में दुर्गंध आ रही है और यहाँ पे चाशनी बनाया जा रहा है, क्रीम चॉप बनाया जा रहा है, यही मिठाइयाँ बाजार में बेची जाएंगी। इसको लेके खाद यहाँ क्या है लोग यहाँ का हाइजीन कंडीशन थोड़ा ये थोड़ा लो है, हाइजीन कंडीशन यहाँ का लो है, इसी के बारे में इनको नोटिस दिया गया है कि पर्व के पहले इनको थोड़ा सुधार कर लिया जाए। सर वो देख रहे हैं कि वहाँ पे जाल पे जो रखे हुए हैं वो चाशनी नहीं है बल्कि वो क्या कहते हैं छेना का पानी वो आउटलेट है उसका। अभी बोलते सकते कि कितनी हाइजेनिक है ये लड्डू का, जो लड्डू का बोलिया है यहाँ पे छेना चौक जो है वो क्रीम चौक क्रीम कौन सा मिठाई बनाया जा रहा है चौक बनाया जा रहा है और इसी को लेके लगातार जो खास सुरक्षा विभाग की टीम है वो निकली है और शहर में कई मिठाई दुकानों पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, नोटिस की जा रही है ताकि और त्योहारों में जो मिठाइयाँ बिक्री हों स्वच्छ वातावरण। 11 मिनट सुना के साथ मिलता हूँ झारखंड पटना।